आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज रैना पर आप सभी का स्वागत है। डव्वाली में लॉकडाउन के चलते उस ऐतिहासिक शहर में भी सन्नाटा पसरा है जिसे डव्वाली का हार्ट कहा जाता है। हार्ट ऑफ सिटी गोल बाजार की हम बात कर रहे हैं। ये वो एक ऐसा एरिया है जो देश की आज़ादी से पहले का भी सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था, बाजार माना जाता था इस शहर का, और आज उसके ऊपर भी सबसे बड़ा असर पड़ा है। आपको सबसे पहले इसकी मुख्य बातें बताते हैं कि आखिर गोल बाजार में अब जब कभी भी आपको डव्वाली आना होता है तो आप इस गोल बाजार में ज़रूर आते हैं, क्योंकि ज़रूरत की सबसे बड़ी चीज़ें, कहते हैं सुई से लेकर हाथी तक की चीज़ें इसी बाजार में मिल जाती है। चाहे आप कपड़ा मार्केट की बात करें, चाहे आप स्वीट्स की शॉप्स की बात करें, चाहे आप फर्नीचर की दुकानों की बात करें, पूरा स्टील उद्योग की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो ये वही इलाका पड़ता है जहाँ पर डव्वाली के हर तबके से, ग्रामीण उस तबके से आने वाला व्यक्ति इसी गोल बाजार में आकर अपनी बाजार से ख़रीदारी करता था। लेकिन अब लॉकडाउन में इस शहर की जो तस्वीर है वो अपने आप सब कुछ बयां कर रही है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ और डव्वाली की हिस्ट्री में भी ऐसा पहली बार हुआ है जब एक बाज़ार में सन्नाटा पसरा है। इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली मूवमेंट हम करेंगे गांधी चौक की करेंगे। ये सबसे ऐतिहासिक जगह डव्वाली की है। गांधी चौक की पूरे बाज़ार की हम बात कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो मार्केट है वो कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। फर्नीचर उद्योग इसके ऊपर टिका हुआ, पूरा स्टील मार्केट यहीं पर आती है। स्टेशनरी का जो पूरा कार्यभार, जितना भी सामान होता है स्टेशनरी का, वो भी इसी बाज़ार से आपको उपलब्ध होता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, पूर्ण तौर पर सन्नाटा पसरा है और यहाँ की पूरी प्रकृति, यहाँ का वातावरण अब उस चहल पहल को तरस रहा हो मानो। ये यहाँ की परिस्थितियाँ बयां कर रही है। एक वक्त आपने देखा होगा, अब वक्त जरूर ठहर सा गया है, लेकिन जब चहल पहल यहाँ पर होती है तो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका यही माना जाता है, सबसे पोश एरिया यही माना जाता है। लेकिन आज की इस घड़ी में बात करें लॉकडाउन और जहाँ पर कोरोना के एहतियात के तौर पर लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं और हम इस जंग को जीतने की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां पर कोरोना आपके घर के बाहर है और आप घर के अंदर हैं। लेकिन अगर आप घर के अंदर हैं तो कोरोना आपके घर के अंदर नहीं आ सकता, वो बाहर ही रहेगा। और ऐसे में तस्वीर आपको दूसरी दिखाता हूं। ये तस्वीर डव्वाली के गोल बाजार के गोल पुलिस चौकी की है, आपको दिखा देते हैं। इसकी जो बैक साइड पूरी आती है तो वो एक फर्नीचर हाउस आ जाता है, स्टील वर्क, पूरी स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर भी चाहे जितनी बड़ी डव्वाली से सबसे बड़ी अगर मोबाइल शॉप्स की बात करें तो वो भी यहीं पर पड़ती है। अगर कपड़े की मार्केट की बात करें डव्वाली की सबसे बड़ी, तो वो भी यहीं पर पड़ती है। और हम आपको पूरे गोल बाज़ार बता रहे हैं और कहते हैं कि देश की आज़ादी से पहले भी ये बाज़ार पूरी तरह से विकसित हो चुका था और उस वक्त भी इसके चार दरवाजे हुआ करते थे। सबसे सुरक्षित शहर का ये हिस्सा माना जाता था और जैसे ही शाम ढलती थी तो चारों दरवाजे बंद हो जाते थे और ये लोग यहाँ पर बड़े अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। गोल बाज़ार के पीछे की कहानी ये भी कि यहाँ पर एक गोल कुआ है, वो ठीक इसी बाजार के बीच में आता है। आज भी वो सुरक्षित उसी तरह से रखा गया और उसके उसको एक जाने वाली सीढ़ियाँ भी है। तो ये हम आपको पूरा बाजार दिखा रहे हैं जहाँ पर पूर्ण तरीके से जो सन्नाटा है वो पसरा है। हम इस वक्त गोल बाजार में हैं जहाँ पर मेरे साथ गुप्ता साहब है, यहीं के पुराने वसींदे भी हैं और लैब टेक्नीशियन रहे हैं और 70 साल की उम्र है, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है कभी ऐसा इतिहास में देखा था गोल बाजार? ना जी ना, ये तो अभी देख रहे हैं, इससे पहले कभी भी जिंदगी में नहीं ऐसा बंद देखा। किस भी लड़ाइयों वाले वो था, ऐसा कभी बंद नहीं देखा जो आज लोग को फॉलो कर रहे हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने या जो भी कहा है, जो हमारे लीडर साहबान कह रहे हैं उसको लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं और पूरी तरह बाजार कंप्लीट बंद है। और यही वजह है कि हमारे एरिया में कोई भी केस नहीं मिल रहा है। मतलब कहते हैं ये बड़ा सुरक्षित एरिया आता था, चार दरवाजे हुआ करते थे। गोल बाजार की क्या हिस्ट्री थी, चार दरवाजे क्या था? ये चार दरवाजे यही था, इनसाइड ज़्यादा नहीं आ जा सकता था। ये तो बहुत पुरानी बात है, आज से 50-60-70 साल पहले की, बाहर की तरफ था और था तो छोटे से दरवाजे से होके गुजर के जाना पड़ता था। तो ये मतलब अंदर का एरिया पूरा सेफ था, जहाँ से कोई अंदर अंदर आ सकता था ना। बाहर एक इधर प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ था एक दरवाज़ा, एक उसके सामने दुर्गा मंदिर के पास था, एक इधर जब सब्जी मंडी के इस तरफ था तो उधर जो था अपने ये अपने अग्निहोत्री ये साइड में, इसमें भी एक था। तो ऐसे अंदर तो हो जाते थे सर, कितने बजे करीब बंद होते? पिक्चर वगैरह के टाइम में छोटा दरवाज़ा खुलता था, शाम को 8-9 बजे बंद हो जाते थे, 7-8 बजे जैसे शाम होती थी वो बंद हो जाते थे दरवाजे, वो खुले नहीं रहते थे। उसके अंदर एक छोटी
टाकी लगी होती थी, जब वो होता था एक वो चौकीदार हुआ करता था तो वो खोल देता था और आने जाने को कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब उस टाइम जो कि पिक्चर वगैरह देख के आते थे और आते थे, बहुत कम लोग ही थे वैसे जाते थे। कोल बाजार क्यों कहते हैं, कुआ यहाँ? हाँ ऐसा ही था कुछ। वैसे तो मेरे को भी नहीं, क्योंकि अपना इधर इतना सुनने में ऐसे ही आता है, यहाँ ये बीच में का जो एरिया था इसको ये कुएं वगैरह का ही कोई इतिहास है इसका, जिसके इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा कमी मालूम है। वैसे है सेंटर प्लेस ही, ये सेंटर प्लेस है, सब तरफ से स्टेशन से औरतें मतलब मार्केट पूरी जो ये गोल बाजार की मार्केट है ये मतलब मेन मार्केट ही गिनी जाती है दवाली की। तो ये भी बता पा रहे थे और एक मेरे साथ अभी सुधीर आर्य जी मेरे साथ जुड़ेंगे, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। ये यहाँ पर MDH आपने मसाले का नाम सुना होगा और महाशियां दी हट्टी, ये डवाली की दुकान लगभग कह रहे हैं कि 1936 के 1940 और 50 के बीच में, यानी कि देश की आज़ादी से पहले की दुकान है। अरे जी, जिस दुकान पर हम खड़े हैं अभी, लॉकडाउन है, ये पूरा लॉक लगा हुआ है, क्या इस दुकान का? मेरे जैसे मेरे को पापा जी ने या दादा जी ने कभी बताया था, वो बातें मेरे जहन में हैं अभी। और गोल बाजार का निर्माण करीब 1940 से पहले का हुआ है और ये दुकानें भी धीरे धीरे करके बनी थी। और इससे पहले यहाँ पे गोल डिग्गी हुआ करती थी, जिसमें मंडी के जो लोग थे वो पानी वगैरह इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से लेकर के जाया करते थे। तो आज मैं देख रहा हूँ कि मैं भी फील्ड में निकला हूँ तो आज मैं देखा है कि हार्ट ऑफ द सिटी कहे जाने वाले मेन बाज़ार या छब्बी हट्टा बाज़ार था जो पुराना, जिसको हम पहले जानते हैं, तो ये गोल बाज़ार, ये सारे में अभी सन्नाटा छाया हुआ है, वीरानी छाई हुई है। तो उस हिसाब से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार लोग एडवाइजरी जो फॉलो कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहें, तो मेरा मानना है अगर ऐसा करेंगे तो हम ये कोरोना का जो वायरस के खिलाफ हमारा युद्ध है उसमें हमारी जीत अवश्य होगी। अरे जी, कभी इससे पहले देखा था इतना सन्नाटा? स्कूल बाज़ार, हार्ट ऑफ सिटी है, सारी ज़रूरतें पूरी यहीं पर कहते हैं हो जाती हैं, कभी देखा ऐसा? नहीं नहीं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में, तो मेरे याद नहीं है कि कभी मैंने ऐसा देखा हो बंद। हाँ कभी कभार कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी की कॉल होती थी या कोई और एजिटेशन के दौरान कभी मार्केटें बंद होती थी तो थोड़ी देर के लिए या एक दिन या दो दिन के लिए रहता था, तो वो प्रोटेस्ट के बाद वो मार्केट फिर ओपन हो जाती थी। लेकिन ऐसा मतलब पहली बार देखा है कि सभी तरफ यानी कि मार्केट्स बंद हैं और लोग अपने घरों में। बिल्कुल, ये सुदेश आर्य जी थे हमारे साथ, डवाली के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और अमर उजाला को करते हैं यहाँ से ये रिपोर्टिंग करते हैं। तो हमने आपको तस्वीर दिखाई है डवाली की, उस गोल बाज़ार की जिसको हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। तो ये तस्वीर अपने आप बयां कर रही है जब कुदरत हमारे साथ खड़ी है और अभी इंतज़ार कर रही है यहाँ की पूरी परिस्थितियाँ की, लोग कब यहाँ पर चहल पहल शुरू होगी। लेकिन फिलहाल तो हम आपसे यही अपील करेंगे, आप अपने घरों में रहें, बिना वजह इमरजेंसी के आप घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए इस कोरोना के साथ छिड़ी जंग को जीतने का हम सब लोग संकल्प करें और हम इस जंग को जल्द जीत कर इस दुनिया को फिर से आबाद करेंगे, ये देश फिर से उन्नति और तरक्की की राह पर लौटेगा। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।